आगे नहीं आना जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान की तरह इस्लामाबाद में भी कश्मीर भाइयों के साथ एकजुटी के हवाले से एहतजाजी रैलियां निकाली गई है। इंडिया के जो भयानक चेहरा है उसको दिखाने के लिए पूरे पाकिस्तान एक साथ हुआ है। जाफराबाद में भी मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूलों के तलबात और असाजा के साथ सब निकले हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक एडवासर साहब ठहरे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आप ये रैली किस हवाले से है। देखिए जी, इस रैली का मकसद है कि हम पूरे पाकिस्तान की तरह पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहते हैं कि 72 साल से हमारे कश्मीरी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा है और इंडियन फौज की जो बर्बरियत है वो पूरी दुनिया के सामने आया हो गई है, तो पूरे पाकिस्तान की तरह पूरी दुनिया के मुसलमान ये चीख रहे हैं कि 72 साल से जो कश्मीरी चीख रहे हैं आज जो उनका अजाला कौन करेगा और हमारे कश्मीरी भाइयों को पूरी दुनिया में इंसाफ कौन दिलाएगा। यकीनन हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि अक़वामे मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोपियन ममालिक इसमें अपना किरदार अदा करें और कश्मीर की रिहाई में एक अपना बाकायदा किरदार अदा करें और मुखलसी दिखाया कि कश्मीर एक पाकिस्तान का हिस्सा था, है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान, जैसे कि आपने सुना ये तारीख गवाह है कि मुसलमान एक मुत्तहिदा कौम है। जब भी किसी एक मुसलमान को दर्द और तकलीफ होता है पूरी उम्मत एक साथ हो जाती है।